के मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। शुक्रवार तड़के कानपुर से 2 किलोमीटर पहले यूपी पुलिस व एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे को इनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बताया कि वो विकास दुबे को मध्य प्रदेश से रिमांड पर कानपुर ला रहे थे। सड़क के रास्ते से आते समय कानपुर के नौबस्ता इलाके में अचानक काफिले में चल रहे एसटीएफ की एक गाड़ी पलट गई। मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस व एसटीएफ की टीम ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे को नजदीक के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब से प्रदेश में विकास दुबे का प्रकरण उछला है, पूरा प्रदेश चाहता था पाप और पापी दोनों का अंत हो। पापी का अंत तो हो गया, लेकिन प्रदेश अब भी चाहता है उस पाप का भी अंत हो जो विकास दुबे के पीछे उज्जैन में उसके सरेंडर से लेकर उसे अपराधी बनाने और उसे पालने पोसने तक काम कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था। कहीं वो चीजें दफन ना हो जाएं, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके नाम भी उजागर हों, वो तथ्य भी उजागर हों और उनके मददगारों को भी सजा मिले। आपको बता दें, विकास दुबे ने गुरुवार सुबह ही उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंचकर विकास दुबे को रिमांड पर लखनऊ ला रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय मीडिया।